बिहार इस समय बाढ़ के बदहाली से गुजर रहा है। ऐसे में यह खबर ज्यादा संतोषजनक तो नहीं, लेकिन बिहार के लोगों को तत्काल मदद जरूर पहुंचा सकती है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल 6,000 रुपए की मदद की जाए। इसको लेके हमने बिहार बाढ़ नियंत्रक महानिदेशक प्रत्युष अमृत से बातचीत किया। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे साथ हुए बातचीत में। हाउस पे कहा है अब हम लोग जो 6,000 रुपया 3,000 रुपया नकद और 3,000 रुपया खाद्यान्न के लिए हर प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को देना है 19 तारीख शुरुआत है, तो हम लोग अब उस पर लगे हैं। आज उसकी भी समीक्षा भी हुई है और पश्चिम चंपारण में आज जो हम लोगों ने सर्वे किया है, जो घुमा है, तो ये जो तीन इलाके हैं चनपटिया, सिकटा और मैनाटाड़, वहां भी हम लोगों ने जो देखा है जल का फैलाव, तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद प्रत्युष, आपने बिहार डेलीगेशन को कीमती समय दिया। अभी हमारे साथ बने हुए थे बिहार बाढ़ नियंत्रक के महानिदेशक प्रत्युष अमृत। बिहार सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी पूरी टीम इन बाढ़ ग्रसित इलाकों में काम कर रही है और बहुत जल्द इस आपदा से हम बाहर निकल आएंगे। साथ ही उन्होंने बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मिल रही तत्काल 6,000 रुपए की मदद के बारे में भी बात किया। आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।